चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पाकिस्तान के बेटे थे चाणक्य पाणिनि। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, पाणिनि कौन थे, चाणक्य कौन थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा है। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, पाणिनि पाली भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। कथन दो, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात थे। कथन तीन, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो दोनों, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है। वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में नहीं बल्कि प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा था। उनके अनुसार यह विश्वविद्यालय प्राचीन पाकिस्तान में आज से 2700 साल पहले इस्लामाबाद के पास मौजूद था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 16 देशों के छात्र 64 विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि पाणिनि जो दुनिया के पहले भाषाविद थे और चाणक्य जो विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे, दोनों पाकिस्तान के ही मिट्टी के पुत्र हैं। पाणिनि कौन थे। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में था। इनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया, जो प्रयोग अष्टाध्यायी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और उन्हें विद्वानों ने अपणिनीय कहकर अशुद्ध घोषित कर दिया। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, इसके 8 अध्याय हैं। चाणक्य कौन थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया था। ऑपरेशन धर्मो रक्षति रक्षिता में उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदवंश का नाश करके उसे मगध का राजा बनाया था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथाएं मिलती हैं। बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृतांत दिया हुआ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। जातकों में तक्षशिला के महाविद्यालय की भी अनेक बार चर्चा हुई है। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत के ज्ञात इतिहास का यह सर्व प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ बुद्ध काल में कोसल नरेश, प्रसेनजीत, कुशीनगर का बंधुलमल, वैशाली का महाली, मगध नरेश, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्यवेद जीवक
एक अन्य चिकित्सक कुमार भृत्य तथा परवर्ती काल में चाणक्य तथा वसुबंधु इसी जगत प्रसिद्ध महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फायान यहाँ आया था। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला आधुनिक तक्षिता का प्राचीन नाम है। गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। कालिदास ने रघुवंश में भी इसी तथ्य का उल्लेख किया है। तक्षशिला का वर्णन महाभारत में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा विजित नगरी के रूप में है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन सांग तथा इतिसिंह के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, जिसमें तीसरा सबसे विनाशकारी हमला 1193 में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, व्रज एवं अभ्यंकर के नाम प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रभावशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसके जवाब का इंतजार रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।